हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने बरसों पुराने लैपटॉप को आप कैसे नए ज़माने के लैपटॉप में बदल सकते हैं। यह है मेरे एसर का 2010 या 9 के आसपास मैंने लिया था। उस टाइम इसकी कॉस्ट 35 या 37,000 के आसपास आई थी मेरे को। यह i3 प्रोसेसर है 330M और इसमें 3 GB रैम था और 320 GB हार्ड डिस्क है। उस ज़माने के लिए तो काफ़ी बढ़िया था, लेकिन आजकल के ज़माने के लिए काफ़ी स्लो है। इसमें विंडोज़ XP था ओरिजिनल इंस्टॉल। मैंने इसको अपग्रेड किया है विंडोज़ 10 मैंने इसमें डाला और ओरिजिनल है विंडोज़ 10। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं आज के ज़माने के हिसाब से यूज़ करूँ। ये बहुत ही स्लो था, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता था। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना स्लो है। ये आप देखिए स्क्रीन, मैंने ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में है इसलिए आपको इतना तेज़ नज़र आ रहा है। इसको ऑन होने में लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं। बल्कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए रिफ़्रेश करने के बाद काफ़ी, मतलब कि 10 मिनट लग जाता है लगभग। और इसमें हार्ड डिस्क है और मेरा CD-ROM है। ये देखिए इतना हैंग होता है कि इसमें 2 CD-ROM शो कर रहा है जबकि 1 CD-ROM है। CD ड्राइव जो हमारा लैपटॉप में होता था पुराने ज़माने वाले में, आजकल तो आते नहीं हैं लेकिन पहले आते थे। तो हम उसको लैपटॉप के CD ड्राइव को हम एज ए एक्सटर्नल ड्राइव हम यूज़ करेंगे। जो हमारा इस कंप्यूटर में इंटरनल हार्ड डिस्क लगा है उसको हम एज ए डेटा स्टोरेज यूज़ करेंगे। और मैं इसको अपग्रेड करूँगा अपने SSD से विदाउट मेरा जो ओरिजिनल विंडोज़ है उसको कुछ की है। मेरी एक भी फाइल डिलीट नहीं होगी दोस्तों, एज इट इज़ ऐसे रहेगा, डेस्कटॉप जैसा है वैसा ही रहेगा। एक सिंगल फाइल मेरी डिलीट नहीं होगी और कुछ भी डाटा डिलीट नहीं होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, तसल्ली से स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो बीच में से आपको कुछ छूट जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा, तो आप देखते रहिए दोस्तों। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कि मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ आपको एक बार, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मेरा कौन से ज़माने का लैपटॉप है और मैं इसको अभी 10 साल बाद इसको एक नई जान डालने जा रहा हूँ इसमें। ये देखिए कोर i3 प्रोसेसर है 330M 2.13 GHz का है और 8 GB रैम है। इसमें इनिशियल 3 GB रैम था दोस्तों, लेकिन मैंने इसको फास्ट करने के लिए मैंने 8 GB रैम डाली, वही मैंने एडिशनल खर्च किया जिसकी ज़रूरत नहीं थी अगर मेरे को पहले पता होता तो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे और मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए मैकेरियम रिफ्लेक्ट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इंस्टॉलेशन उसको कैसे करना है, इंस्टॉलेशन आपको होम वर्जन डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे इसको, मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है, वैसे फिर भी मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ उसका कि हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, जिनको अगर नहीं पता हो तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये देखिए मैं कह रही हूँ सॉफ्टवेयर की साइट पर गए हम लोग और यहाँ पर देखिए दोस्तों Reflect 7 फ्री है और ये वाला हमको डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोडर है एक्चुअली, इसके बाद ये ओरिजिनल फाइल डाउनलोड कर लेता है और उसके बाद आप इसका सेटअप चला सकते हैं। सेटअप चलाने के बाद बाकी आप देखिए इसका होम वर्जन ही डाउनलोड करना आप लोग, नहीं तो ये बाकियों में ट्रायल वर्जन उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। मैं करके देख चुका हूँ इसलिए आप मत करिएगा। ये अपडेट मांगे थे, अपडेट करने के कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है इसका ड्राइव का। तो चलिए हम शट डाउन करते हैं और आगे की कार्रवाई मैं आपको बता देता हूँ कि आगे इसके लिए आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके पास है, नहीं तो किसी से आप ले सकते हैं, 100-150 रुपये का मिलता है। और मैं इसको अनप्लग कर देता हूँ। इसके लिए आपको एक SSD चाहिए और एक आपको इसका KD चाहिए जो आपके इंटरनल हार्ड डिस्क को आप लगाने के लिए CD ड्राइव की जगह। तो मैंने इसको हटा लिया है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अगर आपका बैक पैनल इस टाइप का है
तो इजीली हो जाएगा। अगर जिसका बैक पैनल पूरा खुलता है तो आपको पूरा खोलना पड़ेगा। मैंने इसकी बैटरी अलग कर दी दोस्तों, बैटरी अलग कर दें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें पावर मेल फंक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और मैंने हार्ड डिस्क निकाल ली इसकी हार्ड, और ये सीडी ड्राइव हमारा दिख रहा है आपको, ये देखिए दोस्तों मैंने अपना सीडी ड्राइव निकाल के रख दिया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी मेरे को। और मैंने हार्ड डिस्क की जो केसिंग है उसको खोल के, जो पुराना हार्ड डिस्क था उसका जो केसिंग है उसको खोल के मैंने अभी इसमें मैं अपना SSD 240 GB का वो मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा, उसको फिक्स करूँगा। और ये मैंने इसको फिक्स कर दिया है इसमें, इसमें से ये निकाल के ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है आपको। क्योंकि अगर आपका इंटरनल हार्ड डिस्क है और आपको डाटा पहले SSD में कॉपी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको KD में आपका जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है उसको डाल के आपको CD ड्राइव निकालने के बाद अपना जो SSD लेकर आए हैं आप सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो आपको CD-ROM की जगह पहले फिक्स करना पड़ेगा, ताकि आपका इंटरनल ड्राइव से जो पुराने वाले हार्ड ड्राइव से डेटा नए वाले हार्ड ड्राइव में ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि आपका फाइल कोई भी लॉस ना हो। तो ये मैंने पुराना अपना हार्ड डिस्क लगा दिया है इसमें, हाँ, और मैंने अपना SSD CD ड्राइव में फिट कर दिया है। और अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ दोस्तों, ये ऑन हो गया हमारा PC। और ऑन होने के बाद हम अपना सेटअप चलाएंगे मैकेरियन रिफ्लेक्स का। देखिए ये मेरी दोनों ड्राइव शो हो रही है, डिस्क 1, डिस्क 0 है मेरा पुराना हार्ड डिस्क और डिस्क 1 था नया हार्ड डिस्क। ये देखिए दोस्तों, ये तीनों ड्राइव आ चुकी है मेरी, और आपको जस्ट क्लोन पे क्लिक करना है और सेलेक्ट सोर्स डिवाइस, तो उसमें आपने जो अपना SSD जो CD ड्राइव वाला डाला है उसको जस्ट ड्रैग और ड्रॉप करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है, फिनिश कर देंगे आप, फिनिश कर दिया। ये देखिए दोस्तों, एक बार और दिखा देते हैं आपको, सिर्फ रन बैकअप करना है, जो दूसरा वाला सेकंड वाला टिक है उसको आप अनचेक कर दिए, हमको डाटा सेव नहीं करना है, हमको सेव करने की ज़रूरत नहीं क्लाउड में, क्योंकि हमको वन टाइम यूज़ करना है। ये काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो है दोस्तों, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बोल के बता रहा हूँ। ये देखिए डाटा कॉपी होना स्टार्ट हो चुका है, और इसके 2-3 स्टेप हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी है। मैं बीच बीच में स्किप करके आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए इतना फास्ट नहीं है, मेरा काफ़ी स्लो प्रोसेस हुआ है, कम से कम 10-15 मिनट लगे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा सारा डाटा कॉपी हो चुका है, और कॉपी होने के बाद ये फाइनल स्टेप चल रहा है इसका, फाइनल स्टेप हो गया समझिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, पूरी फाइल्स हमारी ट्रांसफ़र, सेटअप कंप्लीटेड 14 मिनट्स में हुआ है मेरा ये सारा कुछ। चलिए दोस्तों, इसको क्लोज़ करते हैं और अपनी हार्ड डिस्क को इंटरचेंज करते हैं, पुरानी की जगह नई, नई की जगह पुरानी। और हमारा CD ड्राइव तो यूज़ हुआ नहीं है, उसको हम रख देते हैं कहीं, क्या पता कभी बाद में इसे यूज़ हो। तो चलिए सिस्टम को हम बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद दोस्तों फिर वही स्टेप दोबारा हम करने पड़ेंगे, हार्ड डिस्क और CD ड्राइव को हमको चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, मैं अपना हार्ड डिस्क खोल देता हूँ अभी, इसका केसिंग, और केसिंग मैंने निकाल लिया है, ये वाला थोड़ा मैं ओरिजिनल मोड में बना रहा हूँ ताकि आप कुछ समझ में अच्छे से आ जाए, पहले मैंने फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया था, अभी इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने कौन कौन से स्टेप किए थे। पावर बैटरी निकलने के बाद 5 सेकंड पावर बटन को प्रेस करने से इसका जो एनर्जी है, जो पावर कंजम्पशन, जो सर्किट्स में करंट दौड़ रहा है वो निकल जाएगा, ड्रेन हो जाता है हमारा पूरा करंट, इसी से निकल जाता है। अभी हम अपने हार्ड डिस्क को निकालेंगे।
बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है दोस्तों, कोई भी कर सकता है इसको। मैकेनिक के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है आपको लैपटॉप। ये देखिए निकाल लिया मैंने अपना लैपटॉप का हार्ड डिस्क पुराना वाला, जिससे मैंने OS अपना कॉपी कर लिया है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा बैकअप भी ले सकते हैं अपने एक्सटर्नल ड्राइव में, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे डेटा कहीं लॉस हो जाएगा तो आप पहले बैकअप ले सकते हैं अपने डेटा का। मैंने ज़रूरत नहीं समझी इसलिए मैंने नहीं लिया। और ये मैंने निकाल लिया अपना, जिसमें मैंने अपना SSD इंस्टॉल किया था। अभी मैं SSD को अपने ओरिजिनल मेन स्लॉट में डालूँगा हार्ड डिस्क पे। इसके साथ दोस्तों चार स्क्रू आती हैं, आपने चारों स्क्रू अच्छे से टाइट कर लें ताकि आपका SSD हिले ना। अगर आपका बाई चांस लैपटॉप इधर उधर थोड़ा बहुत हिल के गिरता भी है तो आपका ये जो हार्ड डिस्क है वो हिलेगा नहीं, तो इससे आपका डाटा ट्रांसफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मैंने पुराना हार्ड डिस्क अपना इसमें इंस्टॉल कर दिया है, और इसको आराम से दोनों हाथों की मदद से आप खिसका के जो इसका सेटा पोर्ट है उसमें आप बिल्कुल आराम से लगा के प्रेस कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। आप एक बार देख लें कि अच्छे से सेट हो गया है, और बैक साइड में इसके स्क्रू सेंटर में हर एक छेद के बराबर आ चुके हैं। चारों स्क्रू आप लगा दें। इसके साथ इस केसिंग के साथ आपको चार स्क्रू भी मिलते हैं दोस्तों। जो आपका CD ड्राइव का जो बाहर का जो कवर है वो आप इस केसिंग में लगा सकते हैं, जिससे आपका लैपटॉप का लुक वैसे लगेगा कि जैसे आपके लैपटॉप में CD ड्राइव लगा रखा है। देखने में बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने उसमें हार्ड डिस्क लगाई हुई है, तो इससे दूसरे को बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि आपके कंप्यूटर में हार्ड CD ड्राइव है या फिर आपने उसमें हार्ड डिस्क लगा रखी है। इससे कुछ भी नहीं पता चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। 150-200 रुपये का ये केसिंग आता है दोस्तों, और SSD आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपेसिटी का लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से रेट है। मैंने कंसिस्टेंट पर लोकल मार्केट से लिया है और मेरे को ये 2600 के आसपास का मिला है, और 200 की मैंने ये केसिंग ली है, तो 2800 रुपये खर्च हुए हैं मेरे। 2800 रुपये में अगर मैं इस पुराने लैपटॉप को आज के ज़माने का बना दूँ तो और क्या चाहिए दोस्तों, है ना। तो चलिए देखिए, ये मेरा पुराना CD ड्राइव था, उसको मैंने निकाल दिया। और इसके पुराने CD ड्राइव में आपको ये जो स्क्रू दिख रहा है, ये जो पिन है वो आप निकाल के इसको निकालेंगे तभी यह आपके लैपटॉप में इंटरनल फिट होगा। पुराने CD ड्राइव का ये स्क्रू, ये जो पिन है, ये क्लिप, ये स्क्रू से फिट होता है दोस्तों। ये स्क्रू आप ये देखिए, ये स्क्रू यहाँ पर लगेगा, उसका ऑलरेडी बना हुआ है। इस केसिंग में भी सेटअप सब में बना रहता है, एक होल बना रहता है जिसको आपने इसी के स्क्रू से वापस इसमें फिट कर देना है, ताकि आपका ये जो केस है ये निकल ना जाए बाहर, ये अंदर अच्छे से फिट हो जाए। इसी के लिए आपने इसको स्क्रू के साथ फिट करना है। ये आपके CD ड्राइव जो आप निकालेंगे पुराना वाला, उसके उसमें से निकाल के आपने इस केसिंग में लगाना है। ये केसिंग के साथ नहीं आता है दोस्तों, इसलिए नहीं आता है क्योंकि हर एक ड्राइव के अलग अलग अंदर उसकी ये क्लिप होते हैं, इसलिए इसके साथ नहीं आता है। मैं इसका स्क्रू सेट कर देता हूँ। कोशिश कीजिए दोस्तों मैग्नेटिक, अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है, मेरे पास मैग्नेटिक है, और इसको मैं लगा देता हूँ। मैग्नेटिक से थोड़ा ईजी हो जाता है, स्क्रूज में चिपक जाते हैं और इधर उधर मूव नहीं होते हैं। ये देखिए लग गया मेरा ये। अभी मैं इसको सेट कर देता हूँ उसमें, और ये मेरा पुराना CD ड्राइव है जो कि अभी बेकार हो चुका है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, एक कनेक्टर आता है उसके थ्रू, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं है अभी। आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो किसी को दे सकते हैं जिसको ज़रूरत हो।
ये देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा आराम से सेट करिए कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो आपका इंटरनल सेटअप होता है उसमें अच्छे से फिट होना चाहिए, तो वो आप देख लेना दोस्तों। ये देखिए सेट नहीं हुआ है अभी तक, ये बाहर निकल रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो स्क्रू है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर से प्रेस करूँगा अंदर से। अंदर से प्रेस करने के बाद मैंने उधर से दबाया है, तो ये हो जाना चाहिए अभी। हाँ ये हो गया है दोस्तों, ये सेट हो चुका है। ये देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल होल में सेट हो चुका है वो। अभी मैं जो हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, इसको मैं अपने पुराने हार्ड डिस्क की केसिंग में सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद हम इसको इसमें लगा देंगे। इसमें दो स्क्रू लगे थे दोस्तों, इसलिए मैं दो ही स्क्रू लगाऊंगा, मेरे पास और स्क्रू नहीं है। अगर आपके पास है तो आप चारों स्क्रू लगाइए, चारों स्क्रू लगने से थोड़ा सेफ्टी रहती है, हार्ड डिस्क इधर उधर हिलता नहीं है। अगर दो है तो दो भी सफिशेंट है, अदरवाइज़ चार लगा सकते हैं, तो मैं दो ही लगा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे पास दो ही है, पहले भी दो ही लगे हुए थे। दो भी सफिशेंट है, दो में हिलता नहीं है हार्ड डिस्क आपका, क्योंकि इंटरनल फिट हो जाता है इसकी केसिंग के साथ ही। हार्ड डिस्क की केसिंग है ये, जो कि लैपटॉप के साथ में ही आती है, वो आपके लैपटॉप में के साथ में भी आई होगी, आप उसमें सेट कर सकते हैं इसको। ये देखिए सेट कर दिया मैंने इसके सेटअप पोर्ट में, इसको मेन पोर्ट में, और इसके साथ भी एक स्क्रू है जिसको मैं अभी स्क्रू से लगा के इसका केसिंग ऊपर से बंद कर देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें अपने रैम अपग्रेड की है 8 GB, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर मेरे को ये एक्सपेरिमेंट में पहले कर लेता तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, मेरे पुराने 3 GB रैम से ही काम हो जाना था, और मैंने बैटरी भी सेट कर दी है दोस्तों। अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि ये कितना फास्ट है। लगभग लगभग मेरे को तो लगता है 10-20 गुना फास्ट, 20 गुना तो हो ही गया होगा। आपके ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, अभी आपका आपने जो लैपटॉप ले रखा है उसमें कितना फास्ट है। ये देखिए दोस्तों, इसको बूट होने में टाइम नहीं लगा है इसको, ये मैं थोड़ा सा 2x पे वीडियो फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, और आप विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों। ये देखिए सीधा मेन स्क्रीन खुल गया, कोई बूटिंग नहीं, कोई चक्कर वक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं घूमता है, इतना फास्ट प्रोसेस है इसका। ये देखिए दोस्तों कितना फास्ट, हर एक चीज़ कितनी फास्ट खुल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी हमारे सिस्टम में दो हार्ड डिस्क, ये देखिए हमारा पूरा सेम टू सेम OS, दोनों ड्राइव में OS है। अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही ड्राइव में, जो हमारी SSD नई लगाई है उसमें यूज़ करना है, तो हमको दूसरे वाले को एज डाटा यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिस्टम मैनेजर में जो डिस्क मैनेजर है उसमें जाके हमारे जो ड्राइव है, जो हमने CD ड्राइव में लगाई है, उसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आप इसको एज ए डाटा यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट वॉल्यूम करने यस पूछेगा, आप यस कर देना। आप इसको डॉज से भी कर सकते हो, डॉज कमांड से भी बहुत सिंपल तरीके हैं करने के, और ये क्लीन हो जाता है दोस्तों। एक बार क्लीन होने के बाद ये आपका एज ए डाटा स्टोरेज आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार कंप्यूटर, ये देखिए पुराना कंप्यूटर है मेरा, फिर भी काफ़ी ऐसे दौड़ रहा है जैसे अभी जवान हो, बिल्कुल आज ही लिया है मैंने। ये देखिए दोस्तों, मैं इसे कोई भी फाइल खोलता हूँ, गूगल क्रोम खोला है मैंने, बहुत ही मक्खन जैसा चल रहा है अभी। देखिए यूट्यूब खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, कितना फास्ट खुलता है। ये देखिए हर एक चीज़ बहुत फास्ट खुलती है, SSD और हार्ड डिस्क में, नॉर्मल हार्ड डिस्क में हमारे बहुत फ़र्क है। और ये आपका पावर कंजम्पशन भी कम करता है, आपकी बैटरी बैकअप लाइफ बढ़ाता है, काफ़ी फ़ायदे हैं दोस्तों इसके। इसलिए आजकल जितने सही अच्छे लैपटॉप आ रहे हैं, सब में प्री इंस्टॉल्ड SSD आ रहे हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा आप सबके लिए भी कि आप SSD का इस्तेमाल करें, हर एक चीज़ आपकी बहुत ही फास्ट चलेगी। देखिए दोस्तों मेरे दो ड्राइव हैं, दोनों एज ए डाटा मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सटर्नल,
और देखो शट डाउन कर दिया है मैंने। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई और मैं ऐसी ऐसी वीडियो और बनाता रहूँगा। मैं कम वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, जो मेरे को लगता है कि बहुत काम की चीज़ है और मेरे को लगता है कि ज़रूरत होगी किसी की, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। मैंने एक बार रीस्टार्ट करके दिखाया दोस्तों आपको, फिर से रीस्टार्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, मैं 2-3 बार कम से कम इसको रीस्टार्ट किया, शट डाउन किया, रीस्टार्ट किया, शट डाउन किया, रीस्टार्ट किया। और मैंने टोटल बूट टाइम इसका नोट किया है तो पहले ये कम से कम 5 से 6 मिनट लेता था पूरा स्टेबल होने में। जब इनिशियल हम फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं अपना लैपटॉप, और ये देखिए दोस्तों ये हो चुका है डन मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको SSD को, ज़रूरी नहीं कि आप लैपटॉप में ही इस्तेमाल कर सकते, आप अपने पुराने कंप्यूटर में भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अब ये देखिए मेरी 2 डिस्क हो चुकी है इसमें, एक पूरा मैंने डाटा यूज़ कर लिया और एक में OS है मेरा। और ये मेरा कंप्यूटर नया हो चुका है दोस्तों, लैपटॉप मेरा नया हो चुका है। बाहर से देखने में भले ही ये पुराना हो लेकिन एक काम करने में बिल्कुल नए ज़माने के कंप्यूटर के बराबर हो चुका है। हर एक चीज़ इसकी बहुत फास्ट है। और सी ड्राइव को मैंने पूरा OS के लिए दे दिया और डी ड्राइव को अपने डेटा के लिए दे दिया है, जो कि सफिशेंट है एक नॉर्मल यूज़ के लिए। और एक ग्राफिकल लैपटॉप तो नहीं है लेकिन ग्राफिक्स को अच्छा सपोर्ट कर लेगा। आप एक दो मॉनिटर, मैं एक एक्सटर्नल मॉनिटर लगा के चेक किया दोस्तों और ये काफ़ी अच्छा चलता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए अगर आप मुझे एनकरेज करेंगे और लाइक करेंगे तो मैं और ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं नई नई टेक्नोलॉजी की वीडियो लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक बार फिर थैंक यू, जय हिंद।